हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, सभी नीट स्टूडेंट्स के लिए नीट काउंसलिंग 2021 को लेकर ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ की गई है। तो जो बच्चे अभी तक एमसीसी की नीट काउंसलिंग शेड्यूल का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए ये अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बड़ी गुड न्यूज़ आई है। तो जल्दी से जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट, चाहे वो किसी भी स्टेट की काउंसलिंग की हो, सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं नीट काउंसलिंग 2021 ऑफिशियल नोटिस रिलीज्ड। ये देखिए, ऑफिशियल नोटिस जारी की गई, आज ही का अपडेट आप देख सकते हैं, 20 दिसंबर 2021। और नीट काउंसलिंग 2021 एमसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर mcc.nic.in पर काउंसलिंग में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए जरूरी नोटिस जारी किया है। यह नोटिस खास तौर पर CW कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए जारी किया गया है। 16 लाख उम्मीदवार राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा जल्द ही मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ऑल इंडिया कोटा सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने वाली है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले की वजह से नीट काउंसलिंग में देरी हो रही है। इस मामले में 6 जनवरी को अगली सुनवाई की जाएगी, इसलिए फैसले से पूर्व नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने की कोई संभावना नहीं है। तो एक ये अपडेट निकाला गया है, यानी अगर अब आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि एमसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर काउंसलिंग शेड्यूल का रिलीज़ होना, काउंसलिंग का स्टार्ट होना, ये 6 जनवरी के बाद ही, यानी अगले साल ही स्टार्ट हो पाएगा। तो ठीक है, ये इम्पोर्टेंट अपडेट था। और स्टेट कोटा की काउंसलिंग जैसे जैसे रिलीज़ होती जा रही है, आपको मेरे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा कि किस स्टेट ने अपनी मेरिट लिस्ट जारी की है और किस स्टेट ने अपनी काउंसलिंग स्टार्ट की है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा हर लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।